गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की मीटिंग को लेकर सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि यहाँ पर पांच जिलों की टिकटों पर मंथन पहले दिन हुआ, जबकि पांच सीटों को लेकर शुक्रवार को मंथन होना है, यानी कि आज। और गुरुग्राम की इस मीटिंग के शुरू होने के साथ ही खबरें अभी तक के पास कई एक्सक्लूसिव जानकारी भी आई। सूत्रों के मुताबिक बड़े नेताओं के परिवार से टिकट मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट मिल सकती है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी को भी टिकट मिल सकती है। 28 तारीख को बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है, जो कि 30 नामों की हो सकती है। हर सीट को लेकर 3 से 4 नामों पर मंथन किया जा रहा है। हरियाणा बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम का पैनल बनाएगी और नामों को आला कमान के सामने रखा जाएगा और उसके बाद वहां से फाइनल मोहर लगेगी। तो गुरुग्राम में पहले दिन पांच जिलों के विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। आज बाकी 17 जिलों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। तो विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों पर मंथन करने के लिए गुरुग्राम में 2 दिन तक भाजपा की बैठक आयोजित की गई है, जिसका एक दिन कल हो चुका, आज दूसरा दिन है। बैठक में पहले दिन 5 जिलों के तमाम विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो किसी सीट पर एक हैं तो किसी में 2 से 3 बताया गया। हालांकि आखिरी मोहर हाईकमान की लगेगी। पहले दिन हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के पहले दिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी जिलों के पदाधिकारियों को अलग अलग बुलाकर जिलों के राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। ये बैठक आज भी पूरे दिन चलेगी, जिसमें बाकी के सभी जिलों के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे चर्चा की जाएगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में सरकार का भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है, हरियाणा में लोगों का जो माहौल है, जो उनका रिस्पॉन्स है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसको लेकर के सारी संगठनात्मक और व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा चल रही है। दोनों दिन की बैठक के बाद फिर उसमें से जो भी उसमें नामों की सूची बनेगी, उसमें कहीं सिंगल नाम भी हो सकता है, कहीं पैनल भी बन सकता है, वो उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ जो भी लोग होंगे, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उनके सामने रखते हैं और उसमें से कैंडिडेट फाइनल होते हैं। आज काफ़ी एक स्वादपूर्ण वातावरण में सारी बैठक हुई है। कुछ जिले के लोगों को भी बुलाया था और कुछ चर्चाएँ व्यवस्थाओं की भी गई थी। उस नाते से चुनाव समिति की आज बैठक भी सम्पन्न हुई। पॉलिटिकल मुद्दे पे आलोचना का हमारा आश्रम तो है नहीं, तो पॉलिटिकल कार्यालय तो पॉलिटिकल विषय के ऊपर आलोचना हुई है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आज धर्मन जी आए हैं, हम सब लोग बैठे थे इलेक्शन कमेटी, आगामी रणनीति और पार्टी के संगठन, इसके बारे में डिस्कशन हुआ लंबा।